तो कौली थी गोरी का क्या होगी। दीक्षु जा रहे हैं दुल्हन लेने। जी हम तो ले चले बारात। आप इंतजार करना, हम आपकी बहू लेके आएंगे। ठीक है। कैसी लग रही मैं? तो कौली थी गोरी का क्या होगी। सच नहीं बोलना होता है। माता जी कैसी लग रही मैं? लग तो अच्छी रही है यार। मैं तो स्मार्ट लग रही। स्मार्ट। थैंक यू। हाँ जी, सो हेलो, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। फेसबुक में भी शायद ये व्लॉग में डालूंगी, तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे। तो मैं ना जा रही हूँ बराती, दद्दा की शादी है। देखिए अपने लुक में कुछ अलग नहीं होता, वही चश्मा, वही शक्ल, थोड़ी बहुत लिपाई पुताई करके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है मामला। बाकी मैं ये सूट पहन लिया नॉर्मल, बट अभी कन्फ्यूजन में हो कि स्वेटर पहनूं कि नहीं पहनूं, क्योंकि बारात जा रही है बागेश्वर और बागेश्वर में ठंडी भी नहीं है गर्मी भी नहीं। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड। हाय बंदर, मैं कैसी लग रही हूँ? बंदर हेलो, इग्नोर कर रहा है बंदर भी। पिताजी की बच गई है शंख, हम तैयार हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, बंदर से डर रहे हैं। और अगर शादी दद्दा की यहाँ होती तो इस घर में होती और यहाँ म्यूज़िक बज रहा होता, बट उनकी शादी गांव से है तो इसीलिए गांव से ही बारात जाएगी। पर भाभी यहाँ आएगी, हमारी पड़ोसी भाभी, बल्ले बल्ले। तो जी ये रही हमारी सवारी, ये दद्दा है हमारे गाँव के, इनके साथ में पहले गाँव जा रही हूँ, उसके बाद बारात में जाएंगे बाराती। चलिए 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 चलिए। यस, देखिए सुबह के बज रहे हैं कितने, घड़ी दिखा दे कितने बज रहे हैं। घड़ी तो दिखा रही बट दिख नहीं रहा, 9:34। अभी तो बारात मेरे ख्याल से रेडी हो रही होगी, हम जल्दी आ गए। जल्दी जल्दी चलते हैं। नहीं हुए आप तो यार, हम देखो धर्मगढ़ से आ गए। और फिर मुझे एक आंटी ने रोक लिया, उनकी साड़ी सही करनी थी। फिर दूल्हे की मौसी ने रोक लिया। ये है मौसी, यहाँ देखो देखो देखो, ये मेरा व्लॉग है यूट्यूब का, देखो यहाँ एक बार दिखाओ आपको। ये यहाँ वाली चाची, ये मौसी, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और हम यहाँ खड़े होके इनकी पिनअप कर रही थी पिछौड़ में, इनकी साड़ी में। चलो अब चल रहे नीचे। दूल्हे की बहन, दूल्हे की सुंदर मम्मी, देख तू भी अच्छी लग रही है बट इनके सामने यू आर फेल, सॉरी टू से। मौसी को तो दिखा दिए, मौसी तो खूबसूरती की खान है। आंटी भी, दूल्हा इज बिजी है, ये रहा दूल्हा, बिजी है। और यहाँ चल रहे मंगल गीत बारात से पहले वाले। हाय बोलो। छोटी छोटी दूल्हे हमारे, छोटा दूल्हा बड़ा दूल्हा। दीक्षु जा रहे हैं दुल्हन लेने, है ना? ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, मैं बता रही हूँ, ऐसे और ऐसे। हाँ अब ऐसे कर, हाँ ऐसे लगा ले, हाँ टच कर ले, हाँ अब ठीक है। मैं चली जाऊँ फोटोग्राफर साहब वहाँ जाने। थैंक यू। दुल्हन का नाम क्या है वैसे? तनुजा। तुम्हारी है नाम है? ओहो छुपा रहा है, छुपा रहा है। यहाँ पे बज रहा है छोलिया बाजा, देखे कपड़े वगैरह और शगुन का सामान। और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं टीका लगाने के लिए लोग, जैसे सगाई होती है ना हमारे यहाँ शादी के जस्ट पहले होती है वो, तो उसके लिए देवर और ससुर ये लोग थोड़ा जल्दी चले जाते हैं, तो यहाँ पे तैयारी हो रही है उसकी जाने के लिए। मन कर रहा है डांस करने का, कोई साथी नहीं मिल रहा। ये आ गए हमारे दूल्हे राजा। ये फीलिंग ना बड़ी कमाल होती है, भाई की बारात जाते हुए देखना, इस लाइक तो बस अब बारात जाने की तैयारी है।
दूल्हे की मम्मी, ताई, चाची, बड़ी जो औरतें हैं घर की, वो सब दूल्हे की नज़र उतारे अक्षत पर रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये रिवाज मैंने कई बार आप सभी को बताए हुए हैं, सेम ही चीज़ें हैं। इतनी सारी बारातें मैंने आपको दिखा दी अपने व्लॉग्स के ज़रिए, तो सेम रिवाज हर जगह फॉलो होते हैं। लहंगा संभालने में ठुमके लगा दे, थोड़े लगा दे बहन, डांस करो। पहाड़ों की बारात की खूबसूरती है ये, देखिए कैसे लोग दूर से चढ़ के आ रहे हैं। ये हमारे दादा की गाड़ी आ गई, बारात की गाड़ी आ गई। दूल्हा इस वेरे जिम्मेदार, सबका ध्यान रख रहे हैं दूल्हे भैया। ये गाड़ी है छोलिया वालों की, मैं मेरे गांव के दादा लोग उनके साथ में जा रही हूँ। ठंडी हो रही है तो एक बार घर पे रुक के वहाँ से स्वेटर पिक करेंगे एंड देन हम चलेंगे बारात। आप इंतजार करना, हम आपकी बहू लेके आएंगे। ठीक है, एक बार मैं फर्स्ट बारात में गया ना, हाँ। दो रुपया टीका लगा, खो गया था। हाँ। क्या हुआ ना? अरे दो रुपया टीका हुआ ना, हाँ। लागे यार पिछा लाख दो रुपया बहुत हुआ भाई उसमें, अभी 200 रुपये कम हुई। कब कब की बात है? ये है 82 सन 1982 दो रुपए मिले और वो भी खो गए। अरे हाँ टीका लगा था बराती, वो बच्चे ही यार। लेकिन उसकी खुशी तो होती अलग थी, यहाँ टीका लगने वाले की। हमारे तो दो बार लगाते थे टीका मिटाई। अरे कई बार तो पकड़े भी गए। तो ये दादा जो किस्सा सुना रहे थे ना, ये सुना रहे थे कि ये पहली बार किसी बारात में गए थे जब, तो इन्हें 2 रुपया टीका लगा था, जैसे शगन टीका लगता है ना बारातियों को,
वो इतने एक्साइटेड थे उस चीज को लेके, लेकिन वो 2 रुपए ही खो गए। आपके पास भी है बारात से जुड़ा कोई ऐसा मजेदार किस्सा? कमेंट में लिखिए और देखिए इससे सुनते सुनाते हम पहुंच गए बागेश्वर। मैं बात कर रहा था। हाँ, फिर तो हमेशा बिजी है, हमें को दूल्हा दिखाना था। ओके, हेलो दूल्हे राजा। हाय, कैसा फील हो रहा है? लगभग ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अब फंसने ही वाले हैं। अच्छा, सेलिब्रिटी? क्या बात करो, 2 दूल्हे एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, इसने मैंने इससे पूछा आपके दूल्हे का, दुल्हन का नाम तो इसको पता था, अपने दुल्हन का नहीं पता इसको? नहीं पता तेरे को? नहीं बताया, नहीं मुझे लग रहा है। इशू है तो उसकी दीक्षा ही होगी। अच्छा, सही में? और वैसे सच्ची वाली फीलिंग क्या आ रही है अंदर से भैया आपकी दादा? मेरी मेरी फीलिंग ये आ रही है कि मैं कब वहाँ पहुँचू, कब हाथ पकड़ू और सर पर कब मैं उसके दर्शन करूँ, क्योंकि देवी है हमारी, देवी के दर्शन करूँ और उसे अपने घर में विराजमान करूँ उसी समय बाद। तो बस जल्द आने वाली है और अच्छा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, इस दिन का सालों से इंतजार किया है। खून में खुली मिल गई है, कहीं ना कहीं अब प्रेम भाव निकल रहे हैं। और अभी हो रहा है, सब डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहा है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सेलिब्रिटी हूँ तो फिर फोन आ गया, फिर बात करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी बारात पहुँच गई है, यहाँ पे बागेश्वर में हम हैं बाराती, और टचअप हो गया है? हो गया आपका टचअप? मेरा तो हो गया, बस दूल्हे का सेहरा। बिल्कुल, तो अब हम चलेंगे कुछ रास्ता पानी करके बारात में। ओके,